आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। देश के अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। वहीं पर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रद्धालुओं की आज भारी संख्या में बड़ी भीड़ लगी मंदिरों में है। वहीं पर शिव भक्त अपनी आस्था और मनोकामना लेकर शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं। वहीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। देश के तमाम अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर के प्रांगण से, गोरखनाथ मंदिर से रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आज कहा जाता है कि मान्यता है कि आज शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसके पर्व में ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसे आज देश भर लोग महाशिवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी होगी आज मंदिरों में। सुबह से ही आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था व मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व है आज, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में, और उन्होंने प्रदेशवासियों को महापर्व शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी है सभी को। कहा जाता है महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है और इसको माघ और फागुन के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। देखिए, कहा यह भी जाता है कि सृष्टि का आरंभ भगवान शिव ने किया था, उन्हीं के खुशी में, और आज माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था उसी के पर्व में महाशिवरात्रि पर्व हर साल मनाई जाती है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज हर एक शिव देखिए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है प्रयागराज से है, जहां पर शिव भक्त अपनी आस्था मनोकामना लेकर शिव मंदिर में पहुंच चुके हैं। सीधा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये प्रयागराज की तस्वीर दिख रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। ये प्रयागराज की तस्वीर है, और वहीं कानपुर से भी देखिए तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर शिव भक्त मंदिर में पहुंचे हुए हैं अपनी आस्था को लेकर, अपनी मनोकामना को लेकर। अलग अलग जगहों से तमाम देश भर में तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए मनकामेश्वर मंदिर, लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से भी एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं, अपनी आस्था को लेकर आज भगवान शिव के पास पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगह से आपके अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु वहां पर मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। विभांशु, कैसा तस्वीर दिखाई दे रहा है आज मनकामेश्वर मंदिर में? राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक मनकामेश्वर मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भारी उत्साह के साथ अपने आस्था को लेकर यहां पहुंचे हुए हैं। ठीक सामने शिवलिंग है, जहां आप देख रही हैं कि आज
सुबह के 3 बजे से ही मंदिर का पट खोल दिया गया है। उसके बाद जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव की पूजा तमाम चीज़ों से कर रहे हैं। बात करें तो फूल पत्ती और बेलपत्र, मिठाई समेत तमाम दूध, ऐसे द्रव्य को चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। आपको बता दें कि माना ये जाता है कि आज शिव जी की विवाह हुई थी, साथ ही साथ आज के ही दिन महादेव हैं वो पहली बार शिवलिंग के यानी कि शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। आपको बताएं कि शिव पुराण के हिसाब से अगर देखें तो ज्योतिष लिंग का प्रारंभ और अंत किसी को मालूम नहीं है। खुद भगवान ब्रह्मा विष्णु को भी इस बात का पता नहीं है। शिव की यही स्वरूप महाशिव कहलाता है, तो महाशिवरात्रि आज के दिन मनाते हैं। आपको बताएं कि शिव के कई रूपों को आज अलग अलग जगहों पर पूजा जाता है। अगर देखें तो आज पूरे भारत उपमहाद्वीप के अंदर में कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर, मान्यता वाली जगहों पर जाकर शिव जी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो तमाम पूजा सामग्री होते हैं उसको चढ़ाते हैं। आप तस्वीरों में देख रही होंगे कि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगभग यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं, उनके अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और वही बात करें तो यहाँ अगर पूरे प्रांगण की बात करें तो हर हर महादेव और शिव की आराधना में ये पूरे श्रद्धालु डूबे हुए हैं। वही आपको बताएं कि अगर देखें तो भगवान शिव की ये जो महाशिवरात्रि के दिन खुद कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु भी उनकी पूजा किया करते थे। आपको बताएं कि भगवान शिव को कहीं ना कहीं देखें तो जो त्रिदेव हैं यानी कि एक जीवन देने वाला, एक पालन करने वाला और एक रक्षा करने वाला, इसमें से कहीं ना कहीं अगर देखें तो ब्रह्मा जी को दिया गया था कि वो बुद्धि देंगे, साथ ही साथ पालनहार के तौर पर विष्णु जी को और आपके रक्षक के तौर पर भगवान भोलेनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं अगर बात की जाए तो पौराणिक कथाओं की, तो समुद्र मंथन के बाद जब भगवान विष्णु ने देवताओं को मोहिनी रूप में बनकर सारा अमृत पिला दिया तो दैत्य न्याय के लिए शिव जी के पास पहुँचे। शिव के लिए अगर देखें तो सभी समान थे। दैत्य के राजा बाली को अगर देखें तो भगवान ने पूरी बात बताई, जिसके बाद देवताओं ने पूरी अमृत पी ली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भगवान शिव हैं उनको साफ तौर से अगर देखें तो जो समाज की कुरीतियाँ थी, साथ ही साथ समुद्र मंथन के अंदर में निकले हर एक द्रव्यों को अनादर नहीं करना था, तो भगवान शिव ने अगर देखें तो जहर पी लिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख रही हूँ कि ठीक सामने वन कामेश्वर जो कि प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, ठीक सामने आपके यहाँ ज्योतिष लिंग दिख रहा है जिस पर तमाम श्रद्धालु पारी पारी से आकर और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी नंदनी, देखा जाए तो मन कामेश्वर मंदिर विभांशु लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या मान्यता है, कितना प्राचीन है ये मंदिर? जी बिल्कुल, हम बात भी करेंगे यहाँ जो भी अगर देखें तो मंदिर के पुजारी बैठे हैं उनसे भी मंदिर की मान्यताओं को जानेंगे, और साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मन कामेश्वर मंदिर में माना जाता है कि अपनी कामनाओं को लेकर, जो अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आता है भगवान शिव, उसे जरूर पूरा करते हैं। पंडित जी हमें ये बताएं, कहा जाता है कि मन कामेश्वर मंदिर में अपने मान्यता को लेकर आई वो पूरा हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है, जो आपकी श्रद्धा है आप अगर मन से मांगते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी अगर देखा जाए तो आज कितने बजे से मंदिर का पट खोल दिया गया, आप श्रद्धालुओं के अंदर में किस तरह का उत्साह देखने को? आज का पट सुबह 3 बजे खुल गया था और श्रद्धालुओं में बहुत सा उत्साह था और बहुत लंबी लाइन थी और बाबा के आशीर्वाद बना रहे उन पर और बहुत सारे भक्त आते रहे और बाबा के पर विशेष पूजा सामग्रियों से भगवान शिव को चढ़ाया गया है। एक भव्य पूजा भी की जाती है, आरती की जाती है, श्रृंगार किया जाता है, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। बाबा का श्रृंगार बहुत बढ़िया तरीके से होता है और परसों जो है भस्म आरती हुई थी और आज भव्य श्रृंगार हुआ था बाबा का, फिर उस पहले रुद्राभिषेक हुआ, फिर स्नान हुआ है, फिर श्रृंगार हुआ है बाबा का, फिर आरती हुई बाबा का, फिर
भक्तों का कपाट खोल दिया गया था 3 बजे जल्दी। इसलिए है कि भगवान शिव का आज के दिन ही उनका विवाह हुआ था और साथ ही आज ही के दिन पहली बार जो ज्योतिष लिंग होती उसकी उत्पत्ति हुई थी, क्या कहेंगे? हाँ, बाबा का आज शुभ विवाह है और हमारी यही कामना है कि हर साल इसी तरह हर महीने में शिवरात्रियाँ होती है, शिवरात्रि हर महीने होती है, तो हम लोग कहते हैं मानते हैं कि आप लोग डेली शिवरात्रि मनाइए और बहुत ही खुशहाल है ये सब परिवार, आप लोग मंदिर आते रहिए। श्रद्धालुओं के लिए क्या कामना करेंगे? श्रद्धालु यही कामना करेंगे उनके मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और स्वच्छ भारत मिशन में रहें और साफ सुथरा रखें, मंदिर को साफ सफाई रखें और हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो साफ तौर से आपने सुना कि यहाँ पुजारी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर जगह अमन चैन बना रहे, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो, और साथ ही उनका कहना है कि आज के ही दिन भगवान शिव की विवाह हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखें तो भगवान शिव जो कहा जाता है कि वो सृष्टि के रचयिता में से एक है, साथ ही अगर देखें हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तो भगवान शिव के को कहीं ना कहीं नीलकंठ के भी रूप में जानते हैं, और आप देख रही हैं तस्वीरों में कि अभी हमारे साथ यहाँ के पुजारी थे और तस्वीरों में आप देख रही होंगी कि यहाँ के जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके अंदर जोश कहीं से भी कम नज़र नहीं आ रहा है। भारी संख्या में हर वर्ग के लोग पहुँचे हैं, मंदिर प्रशासन की तरफ से बेहतरीन व्यवस्था करते हुए कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा इस पर भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, और साथ ही प्रशासन को भी यहाँ तैनात किया गया है जिससे कोई अनहोनी ना हो और भीड़ कहीं अगर ज़्यादा होती है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो मंदिर प्रशासन के कार्यकर्ता हैं उनको लगाया गया है। आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे होंगे मंदिर प्रशासन के कार्यकर्ता हैं जो एक स्वयंसेवक के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं, और जो भी श्रद्धालु आ रहा है उनके पूजा अर्चना की वस्तुओं को उठाकर वो अंदर मंदिर के भेज रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए नंदनी तो जो भीड़ है, मैं एक बार कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं कि यहाँ अगर देखें तो हजारों की संख्या में भीड़ है, सड़क से लेकर और मंदिर के दरवाजे तक पूरा जो प्रांगण है वो श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। और बात करें तो अभी 9 बज चुके हैं मगर श्रद्धालुओं का जो जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर 3 बजे से खोले गए हैं, जिसके बाद लगातार यहाँ श्रद्धालु आकर अपनी आस्था श्रद्धा को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक और साथ ही साथ विशेष पूजा सामग्रियों से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी विभांशु, क्या वहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत हो सकती है कि श्रद्धालु किस कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ श्रद्धालुओं से वहाँ पर बातचीत हो सकती है? यहाँ के तमाम श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, कितना उत्साह है और क्या कहेंगे वो। हम सबसे पहले हम कुछ महिलाओं के पास जाएंगे, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ तमाम महिलाएं पूजा की थालियाँ लेके आई हैं। मैम कहाँ से आई हैं और कितना उत्साह है शिवरात्रि को लेकर? बहुत है, बहुत शिवरात्रि, मैं आई हूँ कल्याणपुर से। अच्छा, बात की जाए तो भगवान शिव के पूजा के लिए यहाँ तमाम लोग विशेष थालियाँ लेके आए हैं, विशेष पूजा सामग्री लेके आए हैं, आप किस तरह से भगवान शिव की आराधना की है? अब जो मन में होगा वही करेंगे ना, जितना हो पाएगा जिससे उसी आराधना से करेगा। जी बिल्कुल, मैं एक बार आपको मंदिर का तस्वीर दिखाऊंगा और कुछ और लोगों से बात करूंगा कि आखिर कितना उत्साह है उनके अंदर और साथ ही किन पूजा सामग्रियों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। बात की जाए तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग तरह के पूजा सामग्रियों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। मैम क्या नाम है और बात की जाए तो आप किस तरह से विशेष पूजा की हैं? विशेष पूजा की, आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो यहाँ आने पे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ 10 सालों से आ रहे हैं। 10 सालों से आ रही है तो आप मंदिर के बारे में कुछ बताएं। कहा जाता है कि यहाँ मनोकामना मांगने पर मनोकामना की प्राप्ति होती है। जी, ये मन कामेश्वर मंदिर, यहाँ पे जो भी मनकामना, मतलब आपके मन में जो भी कामना रहती है आप मतलब मानिए, भगवान से मांगिए तो आपकी पूर्ति होती है। वो देखा जाए तो आप पूजा की थाली भी लेके आई है, किन किन विशेष चीजों को लेके आई थी? हम जैसे शिव जी को पंचामृत चढ़ता है तो वो लाए थे, और भांग चढ़ता है, धतूरा, बेल पत्र, फूल माला, ये सब, तो यही सब लाए थे चढ़ाने के लिए। तो साफ तौर से आपने सुना कि यहाँ एक श्रद्धालु आए थे जिनका कहना है
कि विशेष पूजा की सामग्री से वो भगवान शिव की पूजा अर्चना की है और वो लगातार सालों से यहाँ आती हैं और उनका ये भी कहना है कि इस मंदिर में आकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो भगवान पूरा करते हैं। जी नंदनी, देखा जाए तो भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि यहाँ भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि ठीक सामने चप्पे चप्पे पर हर एक गेटों पर पुलिस प्रशासन के महिला टुकड़ी को साथ ही साथ पुलिस टुकड़ी को यहाँ तैनात किया गया है। और बात करें तो पूरा जो मंदिर प्रांगण है उसमें कोई इस तरह की अगर देखें तो शैतानी की हरकत ना हो, जिसको देखते हुए यहाँ पुलिस के तमाम आला अफसरों को भी तैनाती लगाई गई है, ड्यूटी लगाई गई है। और देखें तो गेट से लेकर और मंदिर प्रांगण तक प्रशासन पूरे भीड़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जिम्मेवारी लिए हुआ है। पंक्तिबद्ध तरीके से लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। ठीक सामने आप देख रही होंगी कि कहा जाता है कि चंदन लगाने से शिव जी कहीं ना कहीं जो उनका तपिश होता है वो कम होता है, और उसी को देखते हुए श्रद्धालु भी चंदन का आज के दिन लगाते हैं। और कहा जाता है कि चंदन लगाने से कहीं ना कहीं माथे में शांति मिलती है, और जो तमाम श्रद्धालु हैं आज के दिन खास तौर से चंदन लगाते हैं। जी नंदनी, विवांशु आपको रोकना चाहेंगे बीच में क्योंकि कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, तो कानपुर में देख लेते हैं कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है शिव भक्तों में। उपेंद्र, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है शिवरात्रि के महापर्व पर कानपुर में? जी नंदन जी, आपको कानपुर में जो आनंदेश्वर मंदिर है, परमर मंदिर है, उसको देखा जाए तो यहाँ के श्रद्धालु जो है कल शाम 7 बजे से लेकर के पूरी रात जो है लाइन लग जा रही है। मेरे पीछे देखे मुझे लगातार भक्तों की जो लाइन वो लगातार लगी चली जा रही है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर का जो ये खंडपीठ है आनंदेश्वर धाम, और उसका देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर लाखों तादाद जो है भक्त यहाँ मौके पर हैं। देखा जाए तो क्या मान्यता है वहाँ की मंदिर का, श्रद्धालु कितने सालों से वहाँ पर आ रहे, क्या श्रद्धालुओं से कुछ बातचीत हो सकती है? जी अगर देखा जाए तो श्रद्धालु बहुत सारे श्रद्धालु मेरे साथ हैं, बताएंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी सर। अभिषेक जी बताइए कि आज बाबा का दर्शन करने हैं, मां शिवरात्रि पाए हैं, किस आस्था के साथ आए हैं? अरे महाकाल की बहुत बड़ी आस्था है हमारे पास, हम लोग सुबह इतनी बड़ी भीड़ लगा के आए और सुबह 4 ही बजे से हम लोग लाइन लगाए और अभी जाके यहाँ पे पहुंचे हैं, तो यही हमारी आस्था है महाकाल के प्रति। महाशिवरात्रि में जो है आप भोलेनाथ से क्या मांगना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि जैसे हमारे देश दुनिया में जो जैसे अभी फिलहाल टर्की की बात करा जाए, टर्की में अभी भूकंप आया तो पहले तो उन्हीं के पास मनाना चाहेंगे कि अच्छे से रहे वो लोग, की बहुत ही कूड़मारी ना हो, भूखमरी ना हो वहाँ पे, बस यही चाहेंगे। और बाकी फिर हमारी आस्था है ही अपने ऊपर। देखा जाए कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जो है देश नहीं विदेश से लेकर के आस्था जोड़ी जा रही है, ये टर्की को लेकर जो दुर्घटना चल रही है उसको लेकर के ये शांति व्यवस्था चाहते हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या में वहां पर भीड़ जुटी हुई है। उपेंद्र, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? आपका आदेश था कि जितने भी शिव मंदिर रहेंगे यूपी के अंदर उनको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी जाएगी, और सुरक्षा व्यवस्था की बात रही तो कानपुर कमिश्नर बीपी जोगदंड और ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी, देखा जाए कहीं ना कहीं 2 DSP और उसके बाद देखा जाए तो सर्किल के जो ACP जो 4 ACP है और कई थानों में फोर्स और PSC बटालियन आदि लगी हुई यहाँ पे। उपेंद्र, क्या उत्साह देखने को मिला श्रद्धालुओं में, क्या कतारें अलग अलग लगाई गई हैं, किस तरीके से पूरा मंदिर प्रांगण दिख रहा है वहां पर? जी मैं नंद जी आपको दिखाई तरफ आशीष से दिखाए किस तरीके से जो भक्त है वो पूरी तरीके से भक्तों की लाइन लगी हुई है, और देखा जाए तो उत्साह इतना भक्तों में नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो व्यवस्था महिलाओं की अलग है और पुरुषों के देख रहे हैं आप साफ साफ वीडियो के माध्यम से दिख रहा है कि भक्त जो है वो पूरे उत्साह के साथ दिख रहे हैं। और बात रही सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरे चाक चौबंद कर लिए गए हैं, और देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे NCC के जवान, और उसका देखा जाए कहीं ना कहीं मंदिर के जो सेवादार है और उसका जो व्यापार मंडल के व्यापारी जो है उनके जो कई लोग जो ऐसे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से चाक चौबंद है, और पूरी लाइन देखे किस तरीके से लोगों की लाइन लगी है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 से 3 किलोमीटर तक की लंबी लाइन बाबा का दर्शन करने के लगे हुए हैं, और उसके बाद देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद जो है वो पूरी तरीके से शो है वो देखा जाए तो चुस्त दुरुस्त है और मौके पर प्रशासन प्रेजेंट है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र।
तो आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, हमने आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें दिखाई। मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है, आपने देखा भी, और अभी थोड़ी देर पहले कानपुर से आपको सीधा तस्वीर दिखाया था जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची हुई है। वहां पर एक भक्त ने कहा कि हम प्रार्थना लेकर आए हैं कि सीरिया में और जो टर्की में जो हादसा हुआ है, भगवान से प्रे करने आए हैं कि वो जल्द से जल्द समान स्थिति में आ जाए। तो श्रद्धालु अलग अलग आस्था लेकर, अपनी मनोकामना लेकर शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर देश भर में पूरी शिव मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि लखनऊ के महाप्रसिद्ध मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। वहां के पंडित जी ने बताया कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तमाम तरह के श्रद्धालु अपनी आस्थाएं लेकर भगवान शिव के मंदिर में आज पहुँच रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आज रुद्राभिषेक किया है, जलाभिषेक किया, और सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो आज महाशिवरात्रि के पर्व पर देखा जाए तो श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर मंदिर में पहुँच रहे हैं। कहा जाता है कि मान्यता है कि बेलपत्र भगवान जी को चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, और तमाम तरह की फूल पत्तियां जो होती है भगवान शिव को अर्पित किया जाता है उनको खुश करने के लिए। शिव भक्त आज पूरे श्रद्धा के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं, अपनी श्रद्धा सुमन लेकर भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। और हमारे संवाददाता विवेक जुड़ेंगे मनकामेश्वर मंदिर से, आपको सीधा तस्वीर दिखाते हैं, सीधा लिए चलते हैं मनकामेश्वर मंदिर में एक बार फिर से। आपको विवेक कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में, क्या कुछ जी? बिल्कुल, बहुत उत्साह है यहाँ पर श्रद्धालुओं में। हम मनकामेश्वर मंदिर के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोले का पर्व है, और दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं भगवान भोले के लिए, और आज का दिन जो है उनके नाम पे श्रद्धालु समर्पित करते हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और जलाभिषेक करते हुए जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि श्रद्धालुओं को दिखाए कि कितना उत्साह है उन लोगों में, और हम कुछ लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। अभी देख रहे हैं कि ये गेट है, और जिस प्रकार से यहाँ पे हर हर महादेव और मम भोले का नारा लगाया जा रहा है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्साह कितना है श्रद्धालुओं में आज के पर्व को लेकर। भगवान शिव शंकर के लिए और उनके श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन किसी त्यौहार किसी पर्व से बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह आज ही आता है। ऐसी कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां प्रचलित हैं, उस एक कहानियां के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि आज ही के दिन शिवलिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी पूजा और आराधना की थी, जिसके बाद शिवरात्रि के पर्व मनाए जाते हैं। तो तमाम किंवदंतियां हैं, तमाम कहानियां हैं महाशिवरात्रि के पर्व को देकर। जो मनकामेश्वर मंदिर है, इसके इतिहास के बारे में हम आपको बता दें कि ये रामायण काल का मंदिर बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण जो है यहाँ पे जब माता सीता को छोड़ के आए थे तो यहाँ पर उन्होंने आराधना की थी, शिव की पूजा की थी, जिसके बाद उनके मन को शांति मिली थी। उसके बाद से मनकामेश्वर मंदिर यहाँ का नाम रखा गया है। ऐसा मान्यता है, लोगों की ऐसी बताई जाती है कि मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे सच्ची श्रद्धा भक्ति से आता है उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितनी भक्तों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और लगातार जो है हर हर महादेव के जय घोष के साथ, जयकारे के साथ सभी जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए निकल रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। माता जी, आप यहाँ पे जल चढ़ाने आई है, कैसा उत्साह है आज को लेकर? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख कर, भोलेनाथ का बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमेशा यहाँ कितने सालों से आती रही है? बहुत साल से आते हैं जी, बहुत साल से। आप बताइए कैसा उत्साह है यहाँ पे आने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ और लास्ट ईयर से आ रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे, आप बताइए कि कितना उत्साह है आज के दिन के लिए? आज के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही ज्यादा हम खुश हैं क्योंकि आज
मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा मुझे आज ही खुशी मिली है। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है और लोग जो है अलग अलग यहाँ पे लाइनें लगी हुई है, पुरुषों की लाइनें लगी हुई है, महिलाओं की लाइनें लगी है, तमाम तरह की चीजें हम आपको दिखा सकते हैं कि कितना उत्साह है भक्तों में आज के दिन के लिए। और यहाँ मैं अपने सेवियों से कहूंगा कि जिस प्रकार से ये दुकानें लगी हुई है, एक बार फिर से जयघोष को दिखाया जाए, किस प्रकार से लोग जो है जयघोष कर रहे हैं यहाँ पे, और तमाम दुकानें जो है यहाँ पे सजी हुई है, लगी हुई है भक्तों के लिए, जिस प्रकार से देखा जा सकता है। हम कुछ दुकान वालों से भी बात करेंगे, भाइयों से बात करेंगे, कितना उत्साह है आपके लिए, भक्तों के लिए आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए भैया बहुत ज्यादा उत्साह है, इसके लिए काफी लोग समय से इंतजार करते रहते हैं कि शिवरात्रि कब आए, कब हम लोगों का भक्तों का यहाँ तांता लगे। आज बहुत ही विशेष दिन है। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं आप? जी हम दुकान तो बचपन से हमारी लग रही है, हमारे बाप दादा के जमाने से लग रही है। ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर के बारे में कुछ और बताइए, क्या कुछ मान्यताएं हैं? जी ये मंदिर की मान्यताएं काफी कुछ हैं। ये मनकामेश्वर इसीलिए, यहाँ मन की कामना पूरी होती है। तो श्रद्धालुओं का तांता सुबह कितने बजे से लगा हुआ है? ये श्रद्धालुओं का तांता रात के 12 बजे से लगा हुआ है, जैसे कि 3 बजे मंदिर खुला है वहाँ से जो है श्रद्धालु चालू है, लेकिन अभी भी लाइन खत्म नहीं हो रही, श्रद्धालु लाइन लगाए खड़े हुए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि 12 बजे से श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और 3 बजे से मंदिर का कपाट जो है खुला हुआ है, लेकिन भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इन्होंने बताया अभी कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और काफी मान्यताएं प्रचलित है यहाँ पे। मन कामेश्वर इसका नाम इसलिए है कि यहाँ पे मन की कामना जो है वो पूरी होती है। भक्तों का तांता अभी भी लगा हुआ है, लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में भक्त जो है यहाँ, श्रद्धालु जो है वह अपने आराध्य के लिए इकट्ठा हुए हैं, आराध्य को जलाभिषेक के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज का पर्व कहीं ना कहीं सबके लिए खास है, और जो शिव की भक्ति करता है, जो शिव को जानता है, शिव को पूजता है, उनके लिए बेहद ही खास है और बड़े उत्साह के साथ जो सभी शिव भक्त। विवेक, मंदिर परिसर के आप बाहर खड़े हैं, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था दिखाई जा रही है वहां पर? देखिए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हर जगह पे जो है पुलिस की टुकड़ी लगी हुई है। मंदिर के अंदर बात करें, मंदिर के बाहर बात करें, या फिर श्रद्धालुओं के आसपास बात करें, महिला पुलिसकर्मी से लेके पुरुष पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं ताकि इतनी भीड़ भाड़ इलाके में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना ना हो। पुलिस प्रशासन एकदम बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम भी अब तक दे रहा है, चौकस व्यवस्था दिखाई जा सकती है, और आगे भी हम आपको श्रद्धालुओं को दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सुबह 3 बजे से यह कपाट खुला है, लेकिन लाइन जो है वो 12 बजे रात से ही लगनी शुरू हो गई थी, और श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा हुआ है अपने आराध्य को पूजने के लिए, क्योंकि आज का दिन उनके लिए काफी खास है। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कितना खास है आज का दिन आपके लिए? बहुत खास है। आप यहाँ पे कब से आती रही हैं, और क्या रीजन है कि मनकामेश्वर मंदिर आप हमेशा आती रहती हैं? अब श्रद्धा है हम लोगों की, भक्तों की, तो अपने आते रहते हैं हर मंदिर। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कितना खास है आज का दिन आपके लिए? बहुत खास है आज का दिन, बहुत श्रद्धालुओं का दिन है सब भक्तों के लिए। क्या कुछ खास रहा है और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। माता जी आप बताइए कि आज के दिन में कितना उत्साह है, भगवान शिव का दिन है, आप यहाँ पे पूजने आए हैं, कितना उत्साह है? कितना उत्साह है आपके? बहुत बहुत ज्यादा उत्साह है, तभी हम लोग सुबह सुबह ही घर से निकले थे और अब यहाँ पे पहुँच पाए। अच्छा, कितने कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं कृष्णानगर से। कितना उत्साह है, शिव का दिन है आज, यहाँ पे आप पूजा करने आई हैं, शिव की आराधना करने आई हैं, कितना उत्साह है और क्या मांगेंगी? सबसे पहले तो हमारे सभी भारतवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमें बहुत साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं पर साल की हम लोग आ सके, और आज पहली बार हम दर्शन करने आए, हमें बहुत खुशी। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए हैं वो ट्रांसपोर्ट नगर साइड, कृष्णानगर। पहली बार आप आई? जी पहली बार दर्शन करने का मौका मिला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे पहली बार आए हैं, कुछ जो है यहाँ पे लगातार आते रहे हैं, और सबकी जो है इस आस्था जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। क्या जो है खास है आज के लिए आपके लिए? खास है आज आप हमारे लिए, क्या कुछ खास रहेगा आपके लिए? आज शिवरात्रि का दिन है, आज जो है आप यहाँ पे पूजा करने के लिए आई है, जलाभिषेक रुद्र का करने आई है जी, कितना खास है आपके लिए? बहुत खास है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आज शिवरात्रि का दिन है, कितना खास है आप भक्तों के लिए? बहुत ही खास है,
आज स्पेशली जो सोलर सिस्टम और अर्थ के बीच जो एनर्जी ट्रांजैक्शन होता है और हमारे ह्यूमंस का अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको एक्सपीरियंस कर सकें, तो दिस इज़ वन ऑफ द मीडियम टू इंटरेक्ट एंड पे ट्रिब्यूट टू गॉड ऑल्सो। आप यहाँ पहले भी आ चुकी हैं? मैं पहली बार आ रही हूँ। पहली बार कहाँ से आई हैं आप? मैं हूँ वैसे इलाहाबाद की, बट यहाँ पर अभी तक स्टडीज़ में इधर उधर कॉलेजेस में थी, सो फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग दिस। तो आज लोग व्रत भी रखते हैं शिवरात्रि के दिन, तो क्या आपने व्रत रखा हुआ? हाँ जी। तो कितना खास है ये शिवरात्रि, आराध्य शिव हैं, आज का पूरा दिन कितने एंजॉय के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं? वैसे तो पर्पस तो ये होता है कि हमें पूरे समय अवेक रहना होता है ताकि उस एनर्जी और उस एक्सपीरियंस को हम अनुभव कर सकें, तो उसके लिए सेलिब्रेशन इज़ वन ऑफ द मीडियम, तो वो हम कोशिश करेंगे कैसे भी। टाइम तो 6 PM to 6 AM का है, तो उस टाइम का हमें वेट करना है और उस टाइम सेलिब्रेट करके आपको कैसे भी जगना है उस टाइम। क्या नाम क्या आपका? अंजलि। तो इस देखा कि आपने श्रद्धालु अंजलि ने काफ़ी अच्छी बात कही कि शिवरात्रि के दिन जो है वो जागना बेहतर है, क्योंकि इस दिन तमाम तरह की क्रियाएं होती हैं और जागने से जो है वो कई सारी चीज़ें जो हैं बॉडी की एक्टिव रहती हैं, तो इस दिन लोग जाग के इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कम से कम 12 घंटे का लोग जगराता भी करते हैं और अपने बॉडी को एक्टिव करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। हम और भी लोगों को दिखाना चाहेंगे कि कितनी संख्या में जो है श्रद्धालु तेजी से जो है अब मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर पीछे जो है पुलिस की टुकड़ी भी आपको दिखाई दे सकती है, शासन ने किस प्रकार से व्यवस्था की रखी हुई है। और जहां तक बात की जाए सभी लोगों की, लोग अपने अपने घरों से निकल के मन कामेश्वर मंदिर के पहुंच रहे हैं, शिव की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत खास है, क्या कहेंगी आज के दिन के लिए? आज बहुत खास दिन है आपके लिए? जी बहुत खास। आप पहली बार आई? पहली बार आई हूँ यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ आने के बाद। कहाँ से आई हैं आप? अभी इधर से आई हूँ, कहीं के आसपास से हूँ मैं जी। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी आप बताइए, आज का दिन जो है शिवरात्रि का दिन है, तो कितना उत्साह है भगवान शिव के लिए आपके अंदर? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है शिवरात्रि के मेला देख के। आप काफी समय से जो है पूजा पाठ करती आई होंगी, आप अक्सर यहाँ आती रहेंगी, तो यहाँ आपके इस मंदिर की क्या खासियत है मंदिर के बारे में? मंदिर के खास बहुत अच्छा है, बहुत दिने से सुन रहे हैं हम भी, बहुत दिने से हैं, बहुत अच्छा है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा है आज के दिन, क्योंकि तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पे आ रहे हैं और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भीड़ जो है बढ़ती ही चली जा रही है, तो क्या कुछ खास है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। माता जी बताइए कि आज का दिन जो है शिवरात्रि का दिन है, आप लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे आए, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा उत्साह है, इसीलिए तो आदमी आते हैं यहाँ पर। आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं? बहुत बार आई हूँ। मन कामेश्वर मंदिर की क्या विशेषता है इसके बारे में बताइए। ये विशेषता है कि जो मन में आदमी रखता है कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, पूरा होता है, और रोगी दुखी मतलब जिसके कष्ट होता है वो कष्ट भी दूर होता है, बस यही विशेषता इनकी है। अच्छे अच्छे बहुत बहुत ज़बरदस्त बीमारियों वाले लोग अच्छे हो गए हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से देखा कि माता जी ने काफी अच्छी बात बताई मन कामेश्वर मंदिर के बारे में कि यहाँ की विशेषता है, जो मन की कामना है, जो लोग यहाँ पे आते हैं अपनी श्रद्धा मानते हैं। और विवेक आपको रोकना चाहते हैं, नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि अभी हम बता दें कि आज शिवरात्रि का महापर्व है और शिव भक्तों का जमावड़ा मंदिर परिसर में लगा हुआ है। हमने आपको मन कामेश्वर से अभी दिखाया कि श्रद्धालु कितनी भारी संख्या में अपनी आस्था लेकर शिव मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तमाम जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। शिवरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालु जो हैं भारी संख्या में मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं, अपनी आस्था को लेकर, अपनी श्रद्धा को लेकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने के लिए। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर शिव भक्तों की मंदिर परिसर में भारी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धा भाव लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर में स्थित है, वहां पर मौजूद है। आपने देखा, हमने अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाई, मन कामेश्वर मंदिर से लेकर कानपुर
तक हमने अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर किस तरीके से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। देश के भिन्न भिन्न जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां पर श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती का आज विवाह हुआ था, उसके पर्व में उसकी खुशी में ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और हम आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे प्रयागराज से, हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं पवन। पवन से आज महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रयागराज में देखेंगे किस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज में। पवन, किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में? बिल्कुल नंदनी, संगम नगरी प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। अगर बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज की, रात संगम नगरी के तमाम जो शिवालय है वो पूरी तरह से शिव भक्तों से भरे हुए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के यमुना नदी के किनारे। मनकामेश्वर मंदिर है और इसकी प्राचीन मान्यता है, कहा जाता है कि भगवान राम वनवास जाते समय अक्षय वट में उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और इसी शिवलिंग पर आकर उन्होंने पूजा की थी। कहा जाता है कि शिवलिंग की मात्र दर्शन करने से ही जो भक्तों की मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह आरएएफ के जवान, पुलिस के जवान तथा महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। संगम नगरी प्रयागराज के जो शिवालय है आज पूरी तरह से शिवमय दिख रहे हैं। और तस्वीरों की बात की जाए तो तस्वीरें देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्यों संगम नगरी प्रयागराज को धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती है। हालांकि संगम नगरी प्रयागराज में बीते 6 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत हुई है और आज महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है। ऐसे में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में भगवान शिव को लेकर आस्था है। कहा जाता है कि इस मनकामेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने से ही उनकी मनोकामना वो पूरी हो जाती है। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार संगम तट पे और मनकामेश्वर मंदिर में लगातार अभी भी जारी है। लगातार जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए 2.5-3 किलोमीटर की लंबी कतारों में खड़े हैं। दर्शन करने के लिए वो लगातार अभी भी जा रहे हैं। अगर बात की जाए तस्वीरों की तो एक बार ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हैं और ये किस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं जो श्रद्धालु है। हम कोशिश करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि श्रद्धालु किस तरीके से इस मंदिर में जा रहे हैं, किस तरीके की मनोकामनाएं लेकर वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि देर रात तक यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु है वो भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करेंगे। मैम, हम बात करेंगे आपसे एक मिनट के लिए। देखिए अभी और लोग आ रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार मनकामेश्वर मंदिर की ओर जाती हुई नजर आ रही है। जी नंदिनी, पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कितना प्राचीन है ये मंदिर, क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता है, कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो मनकामेश्वर मंदिर के बगल में ही अक्षयवट मंदिर है जहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और इसी मनकामेश्वर मंदिर में आकर उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की थी। इस प्राचीन मंदिर की एक मान्यता है, ये भी कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान मनकामेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त से ही जो श्रद्धालु है वो लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए, उनके शिवलिंग के दर्शन के लिए, जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। इस प्राचीन मंदिर के विशेष मान्यता भी मानी जाती है। जी नंदिनी, पवन, देखा जाए तो सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है मंदिर परिसर में। कितनी सुबह से भक्तों की भीड़ लगी है वहां पर? श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक लाखों श्रद्धालु इस मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे, दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामनाओं की मांग करेंगे। मानता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। इसीलिए आज पूरे संगम नगरी प्रयागराज के लोग वो लगातार इस मंदिर की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालुओं के जो भीड़ है उनके अंदर की जो आस्था वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार ब्रह्म मुहूर्त से ही मनकामेश्वर मंदिर में अभी भी जारी है। व्यापक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीमें, आरएएफ के जवान, महिला पुलिस कर्मी लगाए गए, मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है। अगर बात की जाए प्रयागराज की तो प्रयागराज के विभिन्न शिवालयों में आज शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जी नंदिनी, पवन, पुलिस तैनाती के अलावा क्या कुछ व्यवस्था वहां पर सुरक्षा को लेकर देखा जा रहा है?
बिल्कुल नंदिनी, अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए, मैंने बताया कि जगह जगह आरएएफ के जवान तैनात है, पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, मंदिर परिसर में महिलाओं के लिए महिला पुलिस कर्मी भी लगाए गए हैं, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हुई थी और आज शिवरात्रि के साथ ही माघ मेले का समापन हो जाएगा। ऐसे में जो लाखों श्रद्धालु है वो गंगा यमुना अदृश्य संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मनकामेश्वर मंदिर में आते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी नंदिनी जी, पवन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये प्रयागराज से सीधे तस्वीर हमने आपको दिखाई मनकामेश्वर मंदिर से, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। वहां पर लोग सुबह से ही अपनी आस्था को लेकर भगवान शिव के चरणों में पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर देश के भिन्न भिन्न जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। आपने देखा कि मनकामेश्वर मंदिर से, कानपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, तमाम तरह के श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वो अपनी आस्था को लेकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। कहा जाता है कि आज माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था और आज बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है, मंदिर परिसर में जलाभिषेक किया जाता है, दूध का चढ़ावा किया जाता है, जिससे भगवान कहते हैं कि शिव जी खुश होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। अभी हमने प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखाई कि मनकामेश्वर मंदिर में किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ वहां पर लगी हुई है। सुबह से ही भक्त अपनी आस्था को लेकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने पहुंचे हैं। तमाम तरह की तस्वीरें हमने आपको आज दिखाया है। तमाम महाशिवरात्रि के पर्व पर कानपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जिस तरीके से श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर भगवान के मंदिर में पहुंचे हुए हैं, मंदिर प्रांगण में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तस्वीरें दिखाई। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर जगह पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। आज शिवरात्रि के महापर्व पर देश के भिन्न भिन्न जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और श्रद्धालु वहां पर पूरे शिव मंदिर में जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई जा रही थी, लेकिन तमाम सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं, व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं उनकी तरफ। विवेक, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी भी? देखिए, सुबह से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपने देखा कि भगवान शिव से अपनी आस्था लेकर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उन्हें जलाभिषेक करने के लिए और उनको बेलपत्र चढ़ाने के लिए। मान्यता है कि जिस तरीके से आज भगवान शिव को खुश करने के लिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाता है, फूलपत्ती चढ़ाई जाती है, तमाम तरह के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी श्रद्धा को लेकर। बताया जाता है कि महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है और इसको माघ फागुन कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव वो अपनी पार्वती की पूजा करते हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विवेक की तरफ। विवेक, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी भी मंदिर परिसर में, क्या कुछ माहौल है वहाँ पर? देखिए, इस समय हम मनकामेश्वर मंदिर के परिसर में हैं, मंदिर के अंदर हैं और मैं आपको मंदिर की भव्यता दिखाना चाहता हूँ। कितना भव्य मंदिर है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि कितना भव्य मंदिर है। और यह मंदिर को अगर बात की जाए, कहानियों की बात की जाए, किंवदंतियों की बात की जाए, तो ये रामायण काल का मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर। और यहाँ पे भगवान लक्ष्मण जब माता सीता को वनवास छोड़ के आए थे, जब उनको वनवास भेज दिया गया था, छोड़ के आए थे, तो यहाँ पे रह के उन्होंने शिव की आराधना की थी, तपस्या की थी और उसके बाद उनको जाके उनकी
मन को शांति मिली थी। लक्ष्मण जी के नाम पे लखनऊ का नाम जो है लखनपुरी रखा गया था, उसके बाद से इस मन कामेश्वर मंदिर की मान्यताएं जो है लगातार प्रचलित होने लगी। इस मंदिर परिसर में श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित है, हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे और इस प्रकार से देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने भी की कोशिश भी करेंगे कि आज का दिन जो है शिवरात्रि का दिन है, आप यहाँ पे पूजा करने आए हैं, कितना खास है आपके लिए आज का दिन? बहुत खास है, बहुत ज़्यादा। कहाँ से आए हैं आप? यहीं खदरे से आए हैं, डालीगंज से। डालीगंज से जी जी। ये बताइए आज के दिन क्या कुछ खास रहेगा, जैसे आज आपने शिव की आराधना की, आज जलाभिषेक किया, फिर उसके बाद दिन भर का क्या प्लान है? दिन भर का प्लान बस अपना काम धंधा देखना है और इनके लिए भी थोड़ा सा समय निकालना है। शिवरात्रि के बारे में क्या कुछ जानते हैं? शिवरात्रि हमारे भगवान का बहुत अच्छा खास दिन होता है, जो हमारे लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत खास होता है, क्योंकि इन्हीं यही लोगों के साथ हम सब कुछ हैं, हमारा पूरे सृष्टि पूरी जुड़ी हुई है, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं ध्यान देना भी चाहिए। इन लोगों को हमारे जैसे कि भगवान हैं, बहुत अच्छे हैं और यही सब काम में आगे बढ़ाने की वो काम देते हैं। मन कामेश्वर मंदिर कब से आ रहे हैं? हमारे पापा पिताजी आते थे काफ़ी समय से, हम अभी जल्दी से आना चालू किए हैं और आज तो खास दिन था तो आज ज़रूरी ही आना है। अच्छा, कितना पुराना ये मंदिर है, क्या कुछ मान्यताएं इसकी हैं? ये सुने हैं कि यहाँ जो काम मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो असल में पूरी अच्छे से अच्छी होती हैं और लोगों का विश्वास है कि यहाँ से आने से हमारा काम आगे ज़्यादा बढ़ता है और इसीलिए सब लोग आते हैं भाई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है यहाँ पे उनका तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और पूजा भक्ति भाव से आ रहे हैं। श्रद्धालु की युक्ति है कितनी श्रद्धा से, कितने उत्साह से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं आज के दिन, आज शिव की आराधना के लिए, शिव के जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं आज के दिन, कितना उत्साह है लोगों में, ये हमारे सहयोगी विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार महाशिवरात्रि पर शिव के नाम की कुल 9 कहानियां हैं जो महाभारत काल से लेकर रामायण काल तक बताई जाती हैं। महाभारत में शिव को ईश्वर कहा गया है और मौत के भय को वे दूर कहते हैं, इसलिए महाकाल कहा गया है। महाकाल का जाप लोग करते हैं, अकाल मृत्यु के बचने के लिए शिव की आराधना करते हैं और महाशिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए काफ़ी खास होता है, क्योंकि आज का दिन उनकी आराध्य का दिन होता है। कई प्रसिद्ध मान्यताओं के अनुसार आज के ही दिन जो है उनकी कट गई फोन में। तो पुटवा गिरा तब कटला जब? नहीं नहीं, पुटवा गिरा तब नहीं कटला। विवेक, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? विवेक, तो मन कामेश्वर मंदिर से आप सीधा मंदिर परिसर से देख रहे थे कि वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। किस तरीके से श्रद्धालु सुबह से ही वहां पर मंदिर में अपनी आस्था को लेकर पहुंचे हुए हैं भगवान शिव को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तमाम तरह की तस्वीरें आपने देखी मन कामेश्वर मंदिर से, हम आपको दिखा रहे हैं सीधा तस्वीर, जिस तरीके से सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही भक्तों का भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको सीधा तस्वीर गाजियाबाद से दिखाते हैं कि वहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है महाशिवरात्रि के पर्व पर? जी देखिए, सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। आपको बता दूं, ये गाजियाबाद का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मंदिर है जहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है लगातार, क्योंकि यहाँ पर शिवरात्रि जो है काफी मनाया जा रहा है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, जो लोग निकल के आ रहे हैं, खासतौर से जितने श्रद्धालु हैं लगातार जो लाइन में लगे हुए हैं, सुबह से ही लगभग अब 10 बज चुके हैं और 10 बजे के समय भी आप देख सकते हैं जो कतार है लाइन की, बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है। लगातार लोग जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, लगातार मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करने के लिए लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और बात देखने वाली है, अगर बात करें दुधेश्वरनाथ मंदिर की, जो की प्राचीन मंदिर है, मंदिर वहां पर लगभग रात के 12 बजे से ही वहां भीड़ उमड़ी हुई थी और लोगों की जो कतार थी वो अभी भी लंबी कतार देखी जा रही है। वहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है, हालांकि इस मंदिर में भी पुलिस व्यवस्था की गई है, पुलिस यहां पर चौबंद है, हालांकि तीन सिपाही मौजूद है, एक दरोगा जी मौजूद है यहां पर। लगातार यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है
उसका पुख्ता इंतजाम किया गया है और जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही। जी प्रवीण, कितनी सुबह से भक्तों की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां पर भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए महाशिवरात्रि अपने आप में एक पावन त्यौहार है, पावन एक पवित्र त्यौहार है जिसको कहा जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जिस दिन पार्वती शिव की शादी की बात कही जाती है उसको लेकर खासा उत्साह रहता है श्रद्धालुओं के अंदर में। उसमें बेल पत्थर से लेकर जो उनको दूध चढ़ाया जाता है, फल फूल चढ़ाया जाता है, इसको लेकर काफी लोग व्रत भी करते हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, जो खासतौर पर जो कहते हैं कि जोड़े के साथ अगर इसकी पूजा की जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। कहीं ना कहीं अब जो जो खास तौर पे जो महाशिवरात्रि है ये पावन त्योहार जो श्रद्धा का एक पावन त्योहार है, लोग काफी उत्साह के साथ यहाँ मनाते हैं, क्योंकि जो पहले जो कोविड के समय में जिस तरह से लोग नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब जो है सब चीजें सारी प्रोटोकॉल खुल गई है। हालांकि धारा 144 लागू है यहाँ पर, कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर यहाँ पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। खासतौर पर कुछ ऐसे लोग जो होते हैं कि भीड़ में आकर इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, तो वो उस चीज को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पर यहाँ तैनात की गई है। लेकिन जो प्राचीन मंदिर है यहाँ वैशाली का ये प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर भक्तों का जो ताता है लगातार सुबह से ही जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे जो लाइन लगी है, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सभी लोग इस अपनी पूजा अर्चना करने के बाद सीधे इस द्वार से बाहर निकल रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना, अपनी जो इच्छा है वो मांगने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ उनकी जो मनोकामना है वो भी सुनने का कहीं ना कहीं वो सुनते भी है और उन पर अपनी दया दृष्टि भी बताते हैं। जी जिस तरीके से आपने बताया कि मान्यता है इस मंदिर की, बहुत ही पुराना मंदिर है ये, तो श्रद्धालु कितनी सुबह से वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रवीण? जी देखिए श्रद्धालु जो है सुबह से ही अपने क्योंकि उनको पता रहता है महाशिवरात्रि के दिन काफी भीड़ रहती है, लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो कुछ लोग जो सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं वो जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा घर में करने के बाद उसके बाद जो मंदिर का तरफ रुख करते हैं और भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग पर जिस तरह से जो फूल फल फूल आदि और जो दूध का जो चढ़ावा होता है वो चीज चढ़ाकर जो अपनी मनोकामना है उनको माना जाता है। कहा जाता है कि जो पंडितों के द्वारा, क्योंकि आज के दिन जिस तरह से जो तीन राती पे जो एक बड़ा असर पड़ने वाला है, खासतौर पर जो जिस तरह से पूजा की बात कही गई है कि उस तरह से अगर पूजा करेंगे वो तीन रातियां, तो उनपे खासा असर देखने को मिलेगा, उनको उन राशियों को काफी लाभ मिलेगा आज की पूजा अर्चना करने, क्योंकि आज का जो दिन है महाशिवरात्रि का भव्य दिन है। और कहीं ना कहीं जो ये प्राचीन मंदिर है इसमें एक मान्यता भी है, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी महिलाएं बच्चे एवं कई लोग यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं वो भी पूजा अर्चना करके यहाँ से निकल रहे हैं और जो कुछ लोग हैं जो प्रसाद भी बांट रहे हैं यहाँ पर। हम किसी से बात भी करना चाहेंगे, जो श्रद्धालु आ रहे हैं हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप पूजा करके आए हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप पूजा अर्चना करके आए हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। क्या कुछ मान्यता रहती है आज के दिन? आज कर तो महाशिवरात्रि का पर्व तो देखिए भगवान शंकर के उपासकों के लिए एक बहुत ही विशेष पर्व रहता है, जिसमें भगवान शिव का विवाह हुआ था। और मैं तो कहता हूँ कि हिंदू सनातन धर्म में इसको प्रेम दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए, तो उस उपलक्ष में हम सब आए हैं, जहाँ पर अपने पुत्र के साथ में आया हूँ ताकि इसको भी अपना धीरे धीरे हिंदू सनातन धर्म के बारे में बताया जाए और वो सीखे, यही हमारे आने का यहाँ पर आज उद्देश्य है। बाकी शिव से मनोकामना तो रहती है और शिव हर मनोकामना को पूरी करते हैं। जैसा कि बागेश्वर धाम जो है शास्त्री धीरज शास्त्री जी जिस तरह से वो एक हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं लगातार, उस तरह से वो बारे में मैं कुछ पढ़ी नहीं करना चाहता हूँ उनके बारे में कुछ पढ़ी। तो देखिए आप सनातन धर्म जो है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने बच्चे को भी वो सीख देना चाहते हैं कि बच्चा जो है, बच्चा छोटा है लगभग 3 से 4 साल का बच्चा होगा और वो भी पूजा करने के लिए आया है अपने पिताजी के साथ, कहीं ना कहीं वो भी सनातन धर्म को समझना चाहता है, आगे उसको ये चीजें समझ में आए कि हाँ किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और किस तरह से व्रत रखा जाता है। जी प्रवीण, देखा जाए तो महाशिवरात्रि की हर तरफ से धूम है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने सीधा तस्वीर आपको गाजियाबाद से दिखाया था, जहां पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है, वहां पर भी एक प्राचीन मंदिर में वहां पर आस्था लेकर। अपनी आस्था लेकर भगवान शिव के पास पहुंच रहे श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, कानपुर से, प्रयागराज से, गाजियाबाद से, लखनऊ से, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां श्रद्धालु सुबह से ही अपनी आस्था को लेकर भगवान शिव के चरणों में पहुंच रहे हैं। पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है महाशिवरात्रि का। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उत्सव में मनाया जाता है।
महाशिवरात्रि का त्यौहार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और सुरक्षा व्यवस्था के हर तरफ हर जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में पुलिस की तैनाती की गई है, जिस तरीके से श्रद्धालुओं की अलग अलग लाइनें बनवाई गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, वहां पर अपनी आस्था लेकर जो पहुंचे हैं अपने भगवान को अर्पित कर दें। आज हिंदू धर्म की महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का धरती का प्राकट्य हुआ था। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ की पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। तस्वीरों में भी आपने देखा कि श्रद्धालु किस तरीके से वहां पर बेलपत्र लेकर जलाभिषेक करने पहुंचे हैं, दूध को चढ़ाते हैं। आज तमाम तरह की मान्यताएं हैं, अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई आपको और सीधा तस्वीर आपको दिखाते हैं। कानपुर से एक बार फिर रुख करते हैं कानपुर की तरफ। अनिल हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। अनिल, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है महाशिवरात्रि के पर्व पर? मॉडल टाउन क्षेत्र में हूँ और कानपुर मॉडल टाउन में है, अच्छा खासा भीड़ मौजूद है। इसके अलावा सुबह भी हमने दिखाया था, सुबह लगभग सारे भक्तों में जमकर भीड़ थी और लगभग रात कई श्रद्धालु जो थे लाइन में लग गए थे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कानपुर के मॉडल टाउन क्षेत्र में, जहाँ पे लगभग सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और बता दूं कि इस बार का जो महाशिवरात्रि है वो कुछ अलग तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 700 सालों बाद इस बार पंचयोग बना है, जिसमें पंचयोग में भगवान शिव जो होते हैं वो कुछ ज्यादा ही खुश होते हैं। इसके अलावा बता दूं कि लगभग आज के दिन में शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक का मतलब होता है स्नान कराना, और खासकर से अगर शिव जी को रुद्र से रुद्राक्ष उनको स्नान कराया जाए तो कहीं ना कहीं उसका असर अच्छा खासा तुरंत ही मिलता है। इसके अलावा बता दूं कि जो वर्तमान में जो कानपुर की स्थिति दिख रही है वो लोगों में बहुत ही श्रद्धा का सुबह से ही लाइन लगे हैं। इसके अलावा लोग फूल माला और साथ में गन्ने का गन्ना और मिठाइयां वगैरह भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं। जी अनिल, देखा जाए मंदिर प्रांगण में है आप, किस तरह की मान्यता है वहां के मंदिर का? जी, मुझे बता दूं कि जो मॉडल टाउन का मंदिर है लगभग 70 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन हजारों में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे भंडारा और भंडारे जैसे बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्र हैं लोग लगभग इंडस्ट्रीज यहाँ पे रहते हैं और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनका मानना है कि भोले बाबा है, उन्हीं की दया से ही आज हम इतने बड़े बिजनेसमैन या इतने बड़े व्यापारी बने हैं। तो लगभग शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन यहाँ पे कोई बड़ा व्यक्ति या कोई लोग यहाँ के जो आम आदमी जो है यहाँ के लिए दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मंदिर है ये बहुत पौराणिक मंदिर माना जाता है। इसकी स्थापना लगभग सन 1947 में की गई थी, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है हर बार मंदिर कुछ ना कुछ नया रूप लेके आगे बढ़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। तो वहीं पर शिवरात्रि के पर्व पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम जगहों से हमने आपको तस्वीरें सीधा दिखाया कि किस तरीके से श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर प्रांगण में पहुंचे हुए हैं अपनी श्रद्धा को लेकर। महाशिवरात्रि के पर्व पर देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें दिखाई हमने। सुबह से ही श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तमाम तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाया है, बेलपत्र को लेकर जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु, वहां पर पहुंच रहे अपनी आस्था को लेकर। मनकामेश्वर मंदिर से हमने सीधा आपको तस्वीर दिखाई। लखनऊ आप तस्वीरों में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरीके से लखनऊ से मनकामेश्वर मंदिर का तस्वीर हमने दिखाया, प्रयागराज से तस्वीर सीधे सामने आ रही, जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर देखिए किस तरीके से पहुंचे हुए हैं और वहां पर अपनी आस्था को भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए हैं। कानपुर से हमने आपकी तस्वीरें दिखाई, कानपुर में भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, हजारों की संख्या में लोग मंदिर प्रांगण में पहुँच रहे हैं। वहाँ पर
अपनी आस्था को लेकर तमाम अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अपने कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है भगवान शिव के लिए आज सुबह से ही दिखाई जा रही है। लखनऊ से मन कामेश्वर मंदिर से हमने दिखाया है आपको, प्रयागराज से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से भव्य रूप से मंदिरों को सजाया गया है। आज शिवरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर प्रांगण की सुरक्षा की बात करें तो तमाम जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। शिवरात्रि के महापर्व पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ के भूतनाथ मंदिर से, हमारी संवाददाता सुहानी जुड़ रही हैं। वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुहानी, किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है मंदिर प्रांगण में? वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। और ज्यादातर यहाँ पे जो भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे भूतनाथ मार्केट भी है, इसलिए यहाँ पे जो भीड़ है पूरी तरह से, अब देखिए हजारों की भीड़ में जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो पूजा करने आए हैं। अब इस वक्त हम गेट पे मौजूद हैं और कहा जाता है कि जो मंदिर है ये ज्यादा प्राचीन तो नहीं है, 70 साल पुराना है, लेकिन तब भी ये लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही विख्यात होता है। और यहाँ पे जो भी आते हैं श्रद्धालु, अपनी मनोकामना जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होता है। और ये खास यहाँ का है, आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो मंदिर है पूरी तरह से भीड़, हजारों की भीड़ में जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करने आए हैं और भगवान शिव के आज जलाभिषेक करेंगे। और पूरे देश विदेश में जो देश है, प्रदेश है, वो हर जगह आज भोलेनाथ की आज आराधना हो रही है, जलाभिषेक हो रही है। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ से। सर, आप यहाँ मंदिर में कितने साल से आप मार्केट लगा रहे हैं अपना? 3 साल से। कुछ यहाँ की विशेषता बताएंगे इस मंदिर का? अच्छा, और मुख्य रूप से माँ कामाख्या का यहाँ काम है। अच्छा, और बाकी सारे यहाँ पे आपको देवी देवता मिले। अच्छा, शंकर भगवान है सामने यहाँ पे दर्शन। तो आपने देखा यहाँ साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ बहुत ही विख्यात मंदिर है और यहाँ पे भगवान हनुमान से लेके यहाँ पे सब देवी देवता जो मौजूद है। और उनका खास तौर पे जो यहाँ भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार से, जो धाता लगा हुआ हजारों की भीड़ में जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु पूजा करने आए हैं। और यहाँ सिर्फ सोमवार को ही नहीं, मंगलवार को ही भगवान हनुमान की पूजा के लिए भीड़ लगी रहती है। आइए बात करते जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उनसे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आज शिवरात्रि है, कैसी पूजा कर रहे हैं, पूजा बहुत सुचारू रूप से हो रहा है। यहाँ लाखों के संख्या में लोग आए हुए हैं। हाँ, हम लोग भी आए हुए हैं बहुत दूर दराज। हम आए हैं आजमगढ़ जिले से। यस, मैं पहली बार आया हूँ। नहीं, बाबा भूतनाथ का हम लोग सुने थे तो इसलिए हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। हम लोग हाँ कि बाबा का दर्शन हो जाए महाशिवरात्रि के दिन, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे श्रद्धालुओं के साथ साथ, जैसे हम लोग सुने थे बाबा भूतनाथ का, क्योंकि दर्शन करने के लिए जो भी लोग जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम लोग इंदिरा नगर से पैदल चल के और उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि लोगों के साथ साथ हम लोग की भी कामना पूरी हो जाए। तो आपने देखा यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो कहीं आजमगढ़ से तो कहीं मतलब लखनऊ के जो जितने भी अगल बगल के जो भी प्रदेश है वहाँ से राज्यों से आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने। का मानना है कि भगवान भोलेनाथ की आज आराधना यहाँ पे करने पर जो मनोकामनाएं होती है पूर्ण होती। आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रांगण है उसको सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। और आप अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा अंदर की तरफ वो दिखाएं कि किस तरह से जो भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ के हिसाब से उनका कहना है कि सुबह 3 बजे से यहाँ पे जो है पूजा शुरू जाती है, भोलेनाथ की जल जो अभिषेक होता है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भगवान भोलेनाथ की ही नहीं, यहाँ पे तमाम देवी देवता है जो मौजूद हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो शिवलिंग है वो किस तरह से पूरे आज श्रद्धालुओं से घिरा हुआ है, पूरी तरह से लोग जल अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और तमाम जो श्रद्धालु हैं अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे आज पूजा कर रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे जो भी अपना मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होता है। और
आज जो शिवरात्रि है कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का आज जो पूर्ण रूप से जो विवाह जो आज जो होने वाला उसके लेकर सभी श्रद्धालु जो है उत्साहित है और वो अपने इस महाशिवरात्रि को धूमधाम से पूरे देश प्रदेश में मनाया जा रहा है। सुहानी देखा जाए तो मंदिर का अलग अलग मंदिरों का अलग अलग मान्यता है, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किया गया है? सुहानी देखा जाए तो अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यता है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? जी नंदनी आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जो साजम जो पुलिस व्यवस्था है वो लगी हुई है और इस तरह इसलिए लगी हो कि यहाँ पे जो भूतनाथ मार्केट है उसकी वजह से काफी भीड़ होता है, उसको लेके जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से तैयार है और वो भीड़ को कंट्रोल करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शिवलिंग है यहाँ पे जलाभिषेक हो रहा है और ये पूरी तरह से ये जो इसको बंद किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं इस भीड़ की वजह से बाहर ही पूजा करने के लिए इसमें व्यवस्था रखा गया है और श्रद्धालु जो है वो अपनी पूजा व्यवस्था जो है बाहर से कर रहे हैं और यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है वहाँ पे महिला सुरक्षा व्यवस्था लेके ट्रैफिक पुलिस से लेके यहाँ पे ज्यादातर जो है पुलिस प्रशासन अपनी कड़ी सुरक्षा दे रही है क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है क्योंकि यहाँ पे मार्केट की वजह से और जो ट्रैफिक की वजह से भीड़ लगी रहती है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है इसको लेके अलर्ट है और वो अपना ये जो काम है वो भीड़ को देखते हुए पूरी तरह से कर रही है। सुहानी श्रद्धालुओं में किस तरीके से वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसी आस्था लेकर आज भगवान शिव के चरणों में पहुंचे हैं, कितनी सुबह से वो वहां पर उपस्थित हैं? जी नमी हम मेरे पास साथ एक श्रद्धालु उनसे हम बात करते हैं कि वो किस प्रकार से सर आज पूजा करने आ पाए हैं, आज महाशिवरात्रि है तो सर आप किस तरह से आज शिवरात्रि मना रहे हैं? आज मेरी वाइफ जो है आज शिवरात्रि का व्रत रखे हुए और हमने शंकर जी को जल चढ़ाया है और दूध भी चढ़ाया है, इस तरह हम शंकर जी का महाशिव का। हम हमेशा आते हैं, अब यही मंदिर जो बहुत पुराना मंदिर है भूतान मंदिर है, ठीक है, हमारे बाबा जी जा रहे थे, बिराजी जी एकानंदनी आपके इनका कहना है साफ तौर पर कि जो भूतनाथ बाबा थे उनके द्वारा ये जो मंदिर बनाया गया है आपको दिखा सकते हैं, हमारे सहयोगी जी दिखाएं कि किस प्रकार से जो बाबा की जो ये फोटो लगी हुई है और यही बाबा जो है भूतनाथ बाबा के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, 70 साल पुराना ये मंदिर है और ये कहीं ना कहीं जो लखनऊ के जो श्रद्धालु है उनके लिए विख्यात मंदिर है और यहाँ तमाम जो आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की मंदिर लगी हुई है, माँ काली की कामाख्या की मंदिर लगी हुई है, तो ऐसे जो तमाम मंदिर है उसमें भगवान यहाँ पे हनुमान की भी पूजा होती है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पे श्रद्धालु है वो अपने इस बार उत्साह के साथ पूरे रीति रिवाजों के साथ जो आज महाशिवरात्रि का पूजन है वो कर रहे हैं। मैम आप पूजा करने महाशिवरात्रि के लिए क्या कैसी पूजा कर रही है? कैसे की जाती है, ऐसे कर रहे हैं, बेलपत्र वगैरह और सब कुछ चढ़ा रहे हैं वगैरह। तो क्या मनोकामना कुछ है आज, ऐसा है कि सब कहते हैं कि लड़कियों आज बहुत बाबा भोलेनाथ की मनोकामना मांगती है अपना जो भी रहता है, तो ऐसा कुछ है आपका? बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए, बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए। अच्छा, तो देखा आपने यहाँ पे जो भी आए हैं श्रद्धालु उनका कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना लेके आए हैं और उनका यही है कि बाबा भोलेनाथ हमारे जो भी मनोकामना है उसे पूरा करें। हम बात करना चाहेंगे और ये यहाँ कपल हैं एक, मैम आप बताना चाहेंगी कि किस प्रकार से आज पूजा करने आई हैं, क्या आपके आज ऐसा है किस प्रकार से पूजा, आप ये डाली में क्या क्या लिए जैसे दूध हो गया बेलपत्र ये सब है भगवान शिव को यही सब सम्मान पूजा करने आए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे नंदनी की किस तरह से भीड़ है क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो अपनी एक उनका एक श्रद्धा भक्ति पूरी तरह से देख रहा है, हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश प्रदेश में जो आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है वो मनाया जा रहा है। भगवान महाशिवरात्रि के पर्व पर जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं आप देख रहे हैं सीधा तस्वीर भूतनाथ के मार्केट से। सुहानी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शिवरात्रि के पर्व पर अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई भूतनाथ मार्केट से जहाँ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, भगवान शिव से अपनी
जो श्रद्धालु है आस्था लेकर वहां पर सुबह से ही मंदिर प्रांगण में पहुंचे हुए अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव के प्रति लेकर जो है वहां पर सुबह से ही भक्त जो है पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से भगवान शिव के लिए जो श्रद्धालुओं के मन में उनके प्रति जो समर्पण है और किस तरीके से वो सुबह से ही मंदिर परिसर में लगे हुए हैं कि भगवान शिव के एक दर्शन हो जाए, उन्हें जलाभिषेक कर दे, उनके पास जाकर अपनी मनोकामना इच्छा जो है वो जाहिर कर दे। तमाम अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और लगातार अब अभी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर महाशिव की धूम हर तरफ देश में अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई। कहा जाता है कि मान्यता है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सीधे आपको लिए चलते हैं सुल्तानपुर, सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष, किस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला है आज महाशिवरात्रि के पर्व पर? जहां पर बताया जाता है हजारों संख्याओं में यहां से लोग जरूर आते हैं, आस्था भी इसकी लगाव भी है। यहां तक भी जो है अगर देखा जाए यहां पे चादरें भी होती है, लोगों को चादरें भी लगा देते हैं, पुण्य का कहते हैं। और लोगों को कुछ कहना है यहां पर जो है जो कोई दर्शन आता है कि उनकी आस्था पूरी होती है। यहां पे कृष्ण का माता मौजूद है, हम उनसे बात करिए किस तरह की मंदिर है, क्या इसकी आस्था लगाव हो। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, इस मंदिर के सदस्य हूँ, ये आज नहीं प्राचीन काल से यह मंदिर है जहाँ लोगों की मांगी हुई मुरादें पूरी होती हैं और सहस्त्रों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और प्रत्येक दिन भी लगभग आज शिवरात्रि के दिन है, लोग जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव की शादी हुई थी और उनके उपलब्ध में लोग व्रत भी रखते हैं, पान भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ता है। भोले बाबा को संज्ञा क्यों पसंद है? भोलेनाथ जी का उपाय बहुत पसंद आते थे, इसीलिए है भोलेनाथ हम लोग के हम सबके कहना हो रहा है कि यहाँ का पेड़ है तो अद्भुत है। आप क्या निकला है, क्या इसको प्राकृतिक तो है? यहाँ पे जो लोग देखे होंगे बता सकते हैं, मगर जो भोलेनाथ का मंदिर है मंदिर यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर हुआ है शिवलिंग जो हुई है, भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इसलिए और हम लोग आते जाते हैं, प्रत्याशा पूरा होती है और सब हमारे मीठे बहुत बच्चों से आते हैं। आज शिवरात्रि मनाई जा रहा है, क्या भोले बाबा की जा रही है? जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जगह जगह पटाखे निकाली जा रही है, सारे इष्ट देवता 33 देवता उनके साथ में है। भोलेनाथ की बरात है, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में भोलेनाथ की जो शिवरात्रि यहाँ पर मनाया जाता है। बड़ी खुशी की बात है, हमारी माताएं हमारी बहनें हैं, तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है आज तमाम जगह पे जो है भंगिया भी करता है, भोले बाबा का प्रसाद बांटा जा रहा है, उनको घर में है और जगह जगह पे सूर्य की बारात भी निकल जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ की आपको मिल रही है और लगातार यहाँ भक्तों का चक्कर लगा हुआ है और इसके साथ ही साथ प्रशासन की भी यहाँ पूरी तरह की व्यवस्था है। प्रशासन द्वारा कोई जो है कमियां भी नहीं देखने मिल रही है, कोई भी गलत कार्य अगर देखने को मिल रहा है उसको हटाया भी जा रहा है यहाँ से। जी आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हर तरफ बम बम बोली की गूंज सुनाई पड़ी, देश भर के अलग अलग शिवालयों से अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। हर तरफ आज बम बम बोली की गूंज सुनाई दे रहे हैं, जयघोष लगाए जा रहे हैं भगवान शिव के।
तमाम तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगहों से दिखाई है शिवरात्रि के पर्व पर। लखनऊ से सीधा आपको तस्वीर दिखाई थी मन कामेश्वर मंदिर में, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीर। प्रयागराज से हमने आपको दिखा रहे हैं कि प्रयागराज में भी किस तरीके से मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी आस्था को लेकर। कानपुर से देखिए किस तरीके से श्रद्धा अपनी लेकर भगवान शिव को अर्पित करने पहुँचे हैं। भक्त जो हैं सुबह से ही जयघोष लगा रहे हैं, बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही हर तरफ। आज पूरे देश में एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है, शिव भक्तों में जिस तरीके से अपनी आस्था को लेकर शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं, तो शिव भक्तों के लिए आज ये महापर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाया और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तस्वीर लखनऊ से है, जहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालु सुबह से ही भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए पहुँचे हुए हैं। प्रयागराज से हमने दिखाया कि मंदिर प्रांगण को किस तरीके से सजाया गया है, श्रद्धालु वहाँ पर सुबह से भी लगातार वहाँ पर भी पहुँचे हुए हैं। कानपुर से सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अलग अलग जगह से हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।